ग्राम जालीदेर के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और पंचायत के जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। पंचायत जालीनेर के जिम्मेदारों पर मनरेगा योजना में फर्जी जॉब कार्ड और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत के ग्रामवासी बड़ी संख्या में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत जालीनेर के सरपंच, सचिव, सहसचिव एवं इंजीनियर द्वारा गाँव में मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से बिना मजदूर लगाए जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा है तथा जो लोग गांव में है ही नहीं या उनका स्वर्गवास हो चुका है उनके नाम से भी फर्जी जॉब कार्ड तैयार कर अवैध रूप से राशि का आहरण किया जा रहा है। पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाकर शासन को निरंतर चूना लगाया जा रहा है, अवैध रूप से राशि का आहरण कर अपनी तिजोरियां भरी जा रही है। ग्राम पंचायत जालीनेर में बीते दिनों ग्राम सभा की मीटिंग हुई जिसमें ग्रामीणों को जानकारी में सामने आया कि वर्ष 2019-20 में 75 कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना बताया गया है जिसमें से मौके पर 20 कार्य भी नहीं हुए हैं किंतु फिर भी उनकी राशि अवैध रूप से आहरण की गई है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर रिकॉर्ड जब्त किए जाए और दोषी सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और संबंधित पंचायत के इंजीनियर और ठेकेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इन्हें अपने पद से हटाने की भी मांग ज्ञापन में की गई है और अवैध रूप से निकाली गई राशि भी रिकवर करने की मांग प्रशासन से की है। इस दौरान ग्राम पंचायत जालीनेर के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हम ग्राम जालीनेर से आए, समस्या है कि हमारे गांव में फर्जीवाड़ा बहुत सारा चल रहा है और किसी के मनरेगा में से पैसे, किसी लोगों के खाते में से पैसे, किसी के नाम डबल लगा रखे, किसी को अवैध लगा रखे, किसी के नाम है ही नहीं उसके नाम पर लगा रखे, उनके पैसे निकाल लिए और किसी के मकान है, मकान आए वो मकान भी दूसरों के दे दिए, वो मकान भी मौजूद में नहीं है अभी और कहाँ काम बना वो काम भी मौजूद में नहीं है अभी। मतलब जैसे एक फर्जी तरीके से पैसे वसूल कर रखे हैं। कौन लोग हैं ये? सरपंच, सचिव, सहायक और इंजीनियर, ये मौसम वगैरह सब। किस प्रकार से फर्जी वसूली की जा रही है इसमें इनके द्वारा? हम ये जॉब कार्ड के फर्जी लगा रखे, जैसे मेरे भी पूर्व पत्नी है, 25 साल हो गए उसको नाते ज्ञान है, उसके भी पैसे निकाल लिए अब, जबकि मैंने मेरी ज़िंदगी में मैं कभी काम भी नहीं गया और मेरे पैसे भी उन्होंने निकाल लिए। कितने लोग हैं ऐसे गांव में? कितने गांव में है? 4-5 आदमी है। सबके पैसे निकाल रहे? सबके पैसे। अब हमारे गांव में तो 750 आदमी के पैसे निकाल रखे। और भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ है? जैसे भ्रष्टाचार तो बहुत मौके पर बता रहे हैं और वहाँ हुआ नहीं है? हुआ ही नहीं है अभी तो, भाई बिल लगा के पैसे निकाल रखे। उनके कोई प्रमाण दस्तावेज वगैरह आप लोगों ने? प्रमाण दस्तावेज हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, पूरा पंचायत का, पूरी पंचायत का डाटा पड़ा हुआ है। इसमें बीच में आपने लोकायुक्त को भी एक शिकायत करी थी? दी थी, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन अधिकारियों का क्या कहना था उस दौरान? उन्होंने अभी तक कार्रवाई, अभी तक हमारा उसका कॉल भी नहीं आया और अभी तक हमारे पास पड़ा है। हमने नीमच कलेक्टर भी पहला दे रखी, मनासा SDM को भी दे रखा, उन्होंने नीमच CO में भी दे रखा है और मनासा CO ने भी दे रखा है और विधायक साहब को भी दे दी, सारे आवेदन दे रखे, अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई।